नमस्ते दोस्तों, बंगाली खाना पीना चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इस नए लाल आलू से बनाएंगे दम आलू, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं इस ठंडे के मौसम में। इस समय ये छोटा छोटा लाल आलू जो है मिल जाते हैं बाज़ार में अवेलेबल, तो चलिए इसको बॉयल कर लेते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी के लिए एक मसाला हम तैयार कर लेंगे, इससे जो सब्ज़ी है हमारा और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो देखिए पैन में ले लिया है दो इलायची, यह थोड़ा सा दालचीनी का स्टिक लेंगे, एक तेज़पत्ता, चार पांच लौंग, यहाँ पर हम एक चम्मच लिया है सफ़ेद तिल, एक चम्मच से थोड़ा कम लिया है खसखस यानी कि पोस्तो, और लेंगे एक चम्मच भर के साबुत धनिया, और लेंगे एक चम्मच जीरा, साबुत जीरा। अब इन सब मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे दो तीन सेकेंड तक। एक लाल मिर्च भी ले लिया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग चाहो तो स्किप भी कर सकते हो लाल मिर्च को, जो लोग तीखा नहीं पसंद करते हो। अब दो तीन सेकेंड तक इसको हम ड्राई रोस्ट करके एक महीन सा पाउडर हम बना लेंगे मिक्सी के जार में। तो देखिए दोस्तों हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब देख लेते हैं आलू, आलू भी देखिए दोस्तों हमारा पक चुका है, ये नया आलू है, पकने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगते हैं। अब देखिए आलू को हम छिलके को हटा के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए रेसिपी के नेक्स्ट ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों एल्युमिनियम के कढ़ाई में अगर सब्जी को बनाओगे तो कढ़ाई को कस के गर्म कर लीजिए, और उसके बाद तेल को भी धुआं उठने तक गर्म कर लीजिए। यहाँ पर हम तीन बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। देखिए तेल जो है वो एकदम धुआंधार होना चाहिए, तब कढ़ाई जो है नॉन स्टिक बन जाएगा और हमारा बॉयल किया हुआ आलू जो है कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो देखिए धुआं उड़ने तक तेल जो है हमने गर्म कर लिया है। अब आँच को मीडियम पे करके आलू को हमको फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, एक भी आलू जो है एल्युमिनियम की कढ़ाई से भी चिपकेगा नहीं, और आप लोग इजीली जो आलू है उसको फ्राई कर सकते हो। देखिए दोस्तों एक भी आलू हमारा जो है वो चिपके नहीं है। अब दो तीन मिनट तक आलू को हमको फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पर, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, उसके बाद इसको हम उठा के एक अलग से जगह में रख देंगे। और फिर से एक चम्मच के करीब तेल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, आप लोग चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, इसी तेल से बना सकते हो। अब हम यहाँ पर दे देंगे हींग एक पिंच के करीब, हींग को एक सेकंड तक भुनने दीजिए, उसका बहुत अच्छा खुशबू आने दीजिए। और उसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट हम बना के रखे थे वो एक चम्मच और हाफ चम्मच, मतलब डेढ़ चम्मच के करीब हमने यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट ले लिया है, और मिक्सी के जार को धो के यहाँ पर हम दे दिए हैं थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जो है डायरेक्ट तेल में दे के वो जल ना जाए। अब इन मसालों को थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। अब इसके साथ हम दे देंगे करीब अढ़ाई चम्मच दही, जिसको हम फेंट के रेडी करके रखे थे। आँच को एकदम लो करने के बाद ही दोस्तों दही दीजिएगा, नहीं तो दही जो है वो फट सकता है। अब थोड़े देर दही को भून लेने के बाद उसे के साथ हम दे देंगे रोस्टेड मसाले को, जिसको हम मिक्सी के जार में रोस्ट करके रखे थे। मसाले जो है पूरा के पूरा पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दरदरा रहने से ये अच्छा लगता है। अब सभी मसाले को हम तेल छोड़ने तक भून लेंगे दोस्तों। इस ठंडे के टाइम गरम गरम दम आलू, ये छोटे आलू के बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग जो है पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो। अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक और चीनी थोड़ा सा देंगे हम, क्योंकि ये निरामिष रेसिपी है, चीनी देने से इसका स्वाद जो है थोड़ा सा अच्छा आता है। तो इसके बाद देखिए हम तेल छोड़ने तक मसाले को टाइम लेके थोड़ा सा मीडियम आँच में भून लेंगे। अब इसके बाद हम दे देंगे जो आलू को रेडी करके रखे थे फ्राइड करके, उसको यहाँ पर दे के हम जो है मिक्स कर लेंगे एक बार आलू के साथ।
मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध, मतलब एक कप के करीब पानी देंगे और एक कप उसी कप से नाप कर दूध हम दे देंगे। आप लोग चाहो तो यहाँ पर पूरा के पूरा पानी से भी सब्जी को बना सकते हो, या आप लोग चाहो तो दूध कुछ से भी ये जो रेसिपी है बना सकते हो। हम दोनों को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करके बनाए हैं। पूरे दूध देने से ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग चाहो तो यहाँ पर कोई भी बादाम यूज़ कर सकते हो, इससे सब्जी जो है और भी टेस्टी बनेगा। तो देखिए, अब हम मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन दे के पका लेंगे 3-4 मिनट तक। चलिए मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद। ये देखिए दोस्तों, 3 मिनट के बाद हमारा जो सब्जी है दम आलू वो रेडी हो गया है। दोस्तों इस सब्जी में कोई भी लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं होगा या हल्दी पाउडर भी यूज़ नहीं होगा, ये थोड़ा सा सफ़ेद कलर का ही होगा तो ही अच्छा लगता है। और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो लाल मिर्च पाउडर। अब ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी हम ऐड कर देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाए। अब ढक्कन लगा के इसको फिर से थोड़े देर रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद गरम गरम हम सर्व करेंगे दम आलू को। दोस्तों इस रेसिपी को गरम गरम ही खाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो आलू है ठंडा का, ये ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा सख्त हो जाता है। दोस्तों घर में एक बार बना के हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई कोई रेसिपी को लेके। तो रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू।